Good morning students, today we are studying our new chapter, lesson number 5, measurement of length, okay? Okay. Okay, gram, before starting exercise, we have to know when we use gram, milligram and kilogram, okay? Gram, kab use hota hai? जब भी लाइट वेट ऑब्जेक्ट को मेजर करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, ग्राम यूज़ करते हैं, ओके okay? यानी लाइट ग्राम फॉर लाइटर ऑब्जेक्ट सच एज पेंसिल, बुक, ये सब क्या है, लाइट वेट है ना, तो वो सब मेजर करने के लिए, उनका वेट मेजर करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, ग्राम यूज़ करते हैं. नेक्स्ट इज मिलीग्राम. मिलीग्राम क्यों यूज़ करते हैं, मिलीग्राम फॉर लाइटेस्ट जो ऑब्जेक्ट मीन्स सच एज मेडिसिन, टैबलेट्स, बहुत ज़्यादा ही लाइट हो वेट में, तो जैसे कि मेडिसिन हुआ, टैबलेट्स हुए, एक्सेट्रा, ओके. अब किलोग्राम, किलोग्राम कब यूज़ होता है, वो हैवियर ऑब्जेक्ट. किलोग्राम कब यूज़ होता है, जब भी कोई ऑब्जेक्ट ज़्यादा हैवी हो उसका वेट मेजर करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, किलोग्राम यूज करते हैं, ओके. सच एज वीट बैग्स, सीमेंट बैग्स, वो सब ज़्यादा हैवी होता है, राइट. तो वो हैवी ऑब्जेक्ट को हम मेजर करने के लिए क्या यूज़ करते हैं, किलोग्राम, ओके. ओके, ग्राम का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, जी होता है, ओके. मिलीग्राम का क्या शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, एम जी होता है, और किलोग्राम का के जी, ओके. ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट इज चेंज इन टू ग्राम. अब आपको ग्राम में चेंज करना है, ओके. क्वेश्चन में दिया है 6 केजी इक्वल टू ग्राम, मीन्स इक्वल टू यहाँ ग्राम, इसको मतलब क्या है, आपको ग्राम में कन्वर्ट करना है इसको किलोग्राम को, ओके. फर्स्ट यू हैव टू नो 1 किलोग्राम इज हाउ मच ग्राम, ये तो 1 किलोग्राम कितने ग्राम होते हैं, देखो 1 किलोग्राम 1000 ग्राम होता है, राइट. तो यहाँ तो 6 किलोग्राम है, राइट. फर्स्ट वी विल राइट 1 किलोग्राम इक्वल टू 1000 ग्राम, राइट. अब यहाँ तो यहाँ 1 किलोग्राम 1000 है, पर यहाँ क्या है, 6 किलोग्राम दिया हुआ, राइट. तो 6 किलोग्राम इक्वल टू 6 इंटू 1000 किलोग्राम, 6 इंटू 1000 क्या होता है, 6000, और यहाँ ग्राम. सो वी हैव कन्वर्टेड 6 किलोग्राम इसमें 6000 ग्राम, सो आवर आंसर इज 6000. सिंपल है, राइट. नाउ नेक्स्ट, 1 केजी 295 ग्राम इक्वल टू डैश ग्राम. आपको 1 केजी और ग्राम दोनों को किस में कन्वर्ट करना है, ग्राम में कन्वर्ट करना है, ओके. फर्स्ट वी हैव टू कन्वर्ट केजी इनटू ग्राम, राइट, किलोग्राम इनटू ग्राम. वी नो दैट 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम, राइट. 1 किलोग्राम 1000 ग्राम है, तो 1 किलोग्राम कितना होगा,
किससे, थाउजेंड से, ओके। जब ये 1 kg या तो आपको क्वेश्चन में ऐसा पूछा जाए 6 kg कितने ग्राम, ऐसे पूछा जाए तो आपके करना 6 kg, 1 kg 1000 है, तो 6 kg 6 × 1000। बट यहाँ क्या है, आपको ग्राम दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो आपको क्या करना है, यहाँ क्या है 1000 है, राइट, तो आपको 1000 से डिवाइड करना है, ओके। 3546 बाय क्या जाएगा 1000। अब आपको क्या करना है, काउंट करने के लिए जीरो से 1 2 3, देयर आर 3 जीरोस, राइट, तो आपको ऊपर से राइट से लेफ्ट जाना है 3 डिजिट, ओके 1 2 3, ओके 3 आपको बचे तो इसके आगे वाला डिजिट कहां पे होगा, किलोग्राम पे, और ये 3 डिजिट ग्राम में, ओके सिंपल है। 3 किलोग्राम 546 ग्राम, सिंपल है राइट। अब देखो नेक्स्ट 1006 यानी 1006 ग्राम इक्वल टू डैश केजी डैश किलोग्राम इक्वल डैश ग्राम, राइट। अभी आपको क्वेश्चन में ग्राम में दिया और आपको किसमें कन्वर्ट करना है, किलोग्राम में, हमें 1 किलोग्राम देते तो हम फाइंड कर सकते थे राइट, यहाँ किलोग्राम होते तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते, बट यहाँ ग्राम दिया हुआ, राइट, क्या करना है, किलोग्राम ग्राम दिया तो 1000 से क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा, राइट, 1006 डिवाइड बाय 1000, देखो कितने जीरो से 1 2 3 है ना, 3 जीरो से, तो ऊपर में 3 डिजिट के बाद ही आपको पॉइंट लगाना 1 2 3, ओके, तो यहाँ 3 है, इसके आगे वाले क्या होगा, किलोग्राम होगा और पीछे वाला ग्राम होगा, बट आपको 006 नहीं लिखना है, ओके 6, ओके। ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट इज एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, ओके सिंपल, आप जैसे ऐड करते हो सब्सट्रैक्ट करते हो वैसे ही इसमें भी करना है आपको, ओके। देखो फर्स्ट हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, राइट, हम राइट से लेफ्ट जाते हैं, 0 + 0 क्या होता है, 0 होता है, 8 + 7 क्या होता है, 9 10 11 12 13 14 15 है ना, 5 यहाँ लिखेंगे 1 कैरी, 1 + 4 5, 5 + 1 6, यहाँ 2 + 3 5, 5 किलोग्राम 650 ग्राम, ओके। नाउ नेक्स्ट 8 + 8 क्या होता है, 16 होता है, राइट, 6 यहाँ लिखेंगे 1 कैरी, 1 + 1 2 2 + 2 4, 5 + 4 9, राइट, 6 + 3 9, तो 9 किलोग्राम 946 ग्राम, सिंपल है राइट। जैसे आप ऐड करते हो वैसे आपको मेजरमेंट वाले लेसन में भी वैसे ऐड और सब्सट्रैक्ट करना है। नेक्स्ट देखो 9 किलोग्राम 434 ग्राम 3 - 3 किलोग्राम 75 ग्राम, राइट। अब यहाँ देखो वन के सब्सट्रैक्ट अंकोर नंबर शुड बी ग्रेटर, राइट, ये आपको पता होना चाहिए, ऊपर वाले नंबर हमेशा बड़ा होना चाहिए, राइट। अब यहाँ देखो 4 5 से छोटा है तो हम इसमें से 1 ले लेंगे 3 में से, तो ये 14 हो जाएगा, और इसमें से हमने 1 लिया है तो 1 कम करना पड़ेगा, ओके, फिर 3 में से 1 माइनस करेंगे तो 2 आएगा, राइट, 14 - 5 क्या होता है, आपको 5 के बाद स्टार्ट करना है, 14 पर स्टॉप करना है, राइट, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 कितना हुआ 9, राइट। अब यहाँ देखो 2 - 7 कैन बी सब्सट्रैक्ट 7 फ्रॉम 2, हम 7 को 2 में से सब्सट्रैक्ट कर सकते, नहीं कर सकते, राइट, ऊपर वाले नंबर हमेशा बड़ा होना चाहिए नीचे से, बिकॉज 2 इज स्मॉलर देन 7, राइट, तो हम इसमें से 1 ले लेंगे 4 में से, तो ये 3 हो जाएगा और ये 12 - 7 क्या होता है, 7 के बाद आपको स्टार्ट करना है और 12 पर स्टार्ट करना है, राइट, 8 9 10 11 12 कितना होगा 1 2 3 4 5, 3 - 0 3, 7 9 - 3 6, तो 6 किलोग्राम 359 ग्राम, ओके। नाउ नेक्स्ट इज 8 किलोग्राम 6 ग्राम 2 किलोग्राम 525 ग्राम, ओके 6 - 5 1, ओके 0 - 2 जो भी ऊपर वाला नंबर छोटा हो तो 10 और ये 9 और ये
ओके स्टूडेंट्स, नाउ प्रॉब्लम सॉल्व्स. सो हम बॉट 1 kg 1 kg 500 g पोटैटोज एंड 2 kg 500 g टोमेटो एंड 2 kg ऑनियन. फाइंड द टोटल वेट ऑफ वेजिटेबल्स. जब भी हमें टोटल वेट यानी पूरा वेट फाइंड करना, टोटल या तो ऑल वेट या ऐसे सब फाइंड करना, तो क्या करते हैं हम, प्लस करते हैं, राइट. तो हमें ग्राम दिया हुआ है एंड किलोग्राम दिया हुआ है. आई एम राइट हियर किलोग्राम ग्राम, राइट. पोटैटो कितने, पोटैटो कितने ग्राम है, किलोग्राम है 1 kg एंड 500 g, राइट. टोमेटो 2 kg 500 g. ऑनियन 2 kg, राइट. तो किलोग्राम के नीचे आपको लिखना है 2 kg, राइट. और ग्राम में नहीं है तो 0 0, ओके. ना प्लस ऐड करो 0 0, 5 + 5 = 10, 0 1 कैरी, 1 + 1 = 2, 2 + 2 = 4, 4 + 2 = 6. तो हमारे क्या आएगा 6 kg. यहाँ 0 0 grams नहीं होते, ओके. तो 6 kg टोटल. सो हमने कितने बॉट करे, 6 kg वेजिटेबल, ओके. फाइंड द टोटल वेट ऑफ द वेजिटेबल बॉट. टोटल वेट कितना है, 6 kg, ओके. द टोटल वेट ऑफ द वेजिटेबल is 6 kg, okay. Okay students, our next question. Mrs. Khanna bought 6 kg of rice for a month. Khanna ne kya 6 kg of rice, uske ek month ke liye pura rice uske 6 kg बॉट करा, खरीद लिया, ओके. हाउ मच राइस इज लेफ्ट एट द एंड ऑफ द मंथ इफ द फैमिली कंज्यूम. एंड में तो कितना लेफ्ट होगा उसके फैमिली ने, इतना कितना कंज्यूम करा. कंज्यूम मीन्स राइस यूज कर ले, खा लिया, ओके. 4 kg 540 g यूज कर लिया तो कितने लेफ्ट. लेफ्ट मीन्स क्या होता है, टोटल उसके पास 6 kg था, उसमें से उसने कितना कंज्यूम कर लिया, 4 kg 540 g यूज कर लिया, यानी कंज्यूम कर लिया, ओके. तो बाकी कितने बाकी लेफ्ट है ना, रिमेनिंग, ये सब आया तो हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं, राइट. माइनस करते तो ये बताओ हमें रिमेनिंग मिलता है किलोग्राम ग्राम. 6 kg उसके पास टोटल था, राइट. इसमें से मंथ में कितने यूज हो गए, 4 kg 540 g यूज हो गया, राइट. यहाँ ग्राम कुछ भी नहीं, ऊपर 0 0 लगा दो, ओके. 0 - 0 = 0, 0 - 4 कट हो जाएगा, राइट. 10, ये 9 और 5, 10 - 4 = 6, 9 - 4 = 9 - 5 = 4, 5 - 1 = 5 - 4 = 1, 1 kg 460 g. तो कितने लेफ्ट हो गए लास्ट एंड में, 1 kg 460 g लास्ट में, मंथ के लास्ट में होंगे, ओके. 1 kg 460 g ऑफ राइस इज लेफ्ट एट द एंड ऑफ द मंथ. सो 1 kg 460 g इज लेफ्ट एंड ऑफ द मंथ of rice, okay, of rice is left at the end of the month, okay. And this way we have completed this chapter. Remaining question you have to do, okay. So remaining questions is same hai, okay. इसलिए आपको करके practice करना है, okay. Okay. If there is any doubt, you can message me. We will start next chapter.